नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद हर्ष में। देखिए, आज ट्यूबवेल ऑपरेटर के पहले मतलब 16 मार्च के पहले शिफ्ट वालों का मतलब नियर अबाउट 200 बच्चों का, पूरा 200 बच्चों का आज का खंड आवंटन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। इसमें पूरी एक एक डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि सुबह से ही मैं पूरे बच्चों के संपर्क में हूँ, जितने बच्चे नियर अबाउट, कुछ बच्चों से लगातार मेरी बात भी चल रही थी जिनका आज खंड आवंटन था। तो पूरी जानकारी मैंने एक एक जानकारी पूरा कलेक्ट की है, उसमें सब कुछ बताऊँगा। कोरोना वायरस की जाँच भी की गई है, बच्चों की किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, पूरी डिटेल्स मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो फ्रेंड, शायद मुझे लगता है कि यूट्यूब पे मतलब शायद ये पूरे आवंटन की प्रक्रिया को लगातार मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, और शायद ये वीडियो यूट्यूब में पहली बार मेरी तरफ से दिया गया होगा जो खंड आवंटन की पूरी प्रक्रिया को यहां पे मतलब पूरा आपको सबको बताने जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पे सारी वैकेंसी की अपडेट, ज्वाइनिंग, सब कुछ एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स कराए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पूरी अपडेट को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स वहाँ की दिखाना चाहता हूँ कि परिकल भवन मतलब क्या है, क्या 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 चीज़ की गई है यहाँ पे। ये ग्रुप में ही काफ़ी सारे फोटो मुझे मिले थे, तो यहाँ से देखिए, ये परिकल भवन की है। सभी बच्चों ने मास्क वगैरह लगा के, मतलब मैंने पहले ही वीडियो में सबसे अपील कर दी थी कि अपने सुरक्षा तरीके से आपको सबको पहुँचना है। तो ये है आपका परिकल भवन, यहाँ पर पूरी लाइन वगैरह लगी, एक तरफ डॉक्टरों की पूरी टीम ने आपका चेकअप किया है। दूसरी बार आपको जो भी आपको फिर से मैं बता दूँ यहाँ पर कि आपको एडमिट कार्ड आपका मतलब जो परीक्षा के समय हुआ था, प्रारूप भरा हुआ, दोनों प्रारूप पत्र, ठीक है। तीसरी चीज़, मैं सब लोगों को बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि पूरे 73 जिलों का आपको आवंटन नहीं भरना है, आपको 5-10 आपको लगता है 5-10, क्योंकि पहला शिफ्ट जो 16 या 18 या 20, मुझे लगता है कि इन दोनों तीनों शिफ्टों में जिनका भी होगा उनको अपने मनचाही वो चीज़ मिल जाएगी। आज वालों को तो अपना मनचाही मिल गया है, ठीक है, लगभग सारी बच्चों को मिल गया है पूरा वो, और उनको प्रमाण पत्र भी मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी तक जो जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक लोगों को प्रमाण पत्र के लिए वेटिंग में रखा गया है, प्रमाण पत्र मिलने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और भी पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से फुल व्यू आप कर सकते हैं, ये पूरा परिकल भवन का पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे पूरी तरफ से सारी सिक्योरिटी। और दूसरी है ये बात है कि मतलब जितने भी स्टूडेंट थे उनसे बात करने पे ये पता चला कि हर एक एक कदम पे आपको स्टाफ लगे हुए हैं, आपके हर तरीके से, मतलब थोड़ा सा इस बात का भी प्रेशर है कि कोरोना इफेक्टेड होते हुए भी आपकी ये प्रोसेस करवाई जा रही है, तो हर चीज़ पर मतलब टीम लगी हुई है, आपको पूरी तरीके से मदद की जा रही है, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, ये अंदर की पूरी सीट है, सीट अवेलेबिलिटी है, पूरे खंड बनाए गए हैं, यहाँ पे 4-5 बने हुए हैं जहाँ पे आपको मतलब उसी क्रम के अनुसार चस्पा कर दिया गया, उसी क्रम के अनुसार आपको उसी रो में लाइन में बैठना है। और साथ ही साथ इस जो ये बड़ी सी स्क्रीन है, इस पे पूरे जिले का जो रिक्त पद है वो बीच बीच में शो किया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये बता दूं कि दोस्तों, जैसे इसमें कुछ बच्चों का क्वेरी था कि सर मतलब कितने जिलों को भर के जाएं, तो देखिए आज जो पता चला है, क्योंकि पहले दूसरे मतलब शिफ्ट में तीसरे शिफ्ट में जिनका होना उनको मनचाहे ब्रांच मिल जाएगी, तो कुछ बच्चों ने 5 भरा था, कुछ ने 6 भरा था, उनको पहले ही सब कुछ मिल गया। दूसरी चीज़ें, आपको अपना चीज़ रेडी रखना है, एटलीस्ट आपको 5 से 6 जिले पहले ही भर के रखना है, अगर उनमें नहीं मिलता है तो आपको क्रमांक बताना है, जैसे आपको आगरा का पहला क्रमांक है, जिस क्रमांक पर है वो आपको क्रमांक तुरंत बोलना है, अगर सीट अवेलेबिलिटी है तो तुरंत बता दे रहे हैं उस जगह पे कि आपको हाँ अवेलेबल है, अदरवाइज आपको दूसरा हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि दूसरा जिला आपको कौन से लेना है उसको बताना है, तो वो उसको टिक करके आपको मतलब पूरा वेरीफाई कर देना है। तो ये थी पूरी अपडेट, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। दोस्तों, लगातार मैसेज के थ्रू ये देखिए खंड आवंटन प्रमाण पत्र भी आ गया है, कुछ बच्चों का मुझे मिला है, तो इनका मैं खंड आवंटन प्रमाण पत्र भी आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, जन्मतिथि इतना, अनुक्रमांक इतना, ग्रेडुएशन सूची क्रमांक 32 द्वारा खंड आवंटन की प्रक्रिया डॉक्टर रामलो परिकल भवन उपस्थित होकर अपनी ग्रेडुएशन सूची क्रमानुसार स्वेच्छा से अधुलिखित पद स्थापना खंड का चयन किया गया है। पद स्थापना है तो इनको नलकूप खंड प्रथम उरोई, इनको जहाँ पे चाहिए था वो मिल गया है, ठीक है। इनका आवंटन भी यही थे, इन्होंने मतलब मैसेज करके इसमें बताया है, ठीक है। तो ये पूरे वो के थ्रू सब कुछ मिला, नोट में जो लिखा है अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है वो उत्खंड आवंटन प्रमाण पत्र एवं पंजीवन प्रमाण पत्र के साथ संपूर्ण आवंटन प्रक्रिया की समाप्ति उपरांत नियुक्ति की औपचारिकता हेतु संबंधित खंड से संपर्क में, जो आपको खंड का अलॉटमेंट किया गया है उस खंड में जाना है। कुछ लोग का और बराबर मैसेज आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को पर्ची भी दी जा रही थी, ये जो है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश से पद चयन हेतु, ठीक है, खंड आवंटन पर्ची है, संजीव कुमार अनुक्रमांक। देखिए, ये पर्ची मिलेगी, उसके बाद इसके कुछ ही टाइम में आपको पूरा प्रमाण पत्र वो दिया जाए जो कि अभी मैंने कुछ समय पहले दिखाया। तो ये थी पूरी डिटेल्स, अपडेटेड डिटेल्स है। अगर आपकी अभी कुछ क्वेरी बसती है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं, हम उसका आंसर तुरंत करेंगे। तो पूरी कोशिश की है हमने सारे प्रोसेस को जुटाने की, सारे मतलब डिटेल्स को जुटाने की। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नहीं
नहीं हूँ अगर चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।